यूपी के बदायूं में दो मासूम बच्चों के मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 13 साल के आयुष, 6 साल के आहान की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पड़ोस में ही सलून चलाने वाले साजिद ने घर में एंट्री ली, चाय पी, 5,000 रुपए मांगे और फिर दो मासूम बच्चों की धारदार हथियार से गला रेत दिया। आयुष आहान के तीसरे भाई पीयूष पर भी अटैक किया, जो इस वक्त घायल है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दूसरा आरोपी जावेद अभी फरार है। जावेद साजिद का सगा भाई है। साजिद जब वारदात को अंजाम दे रहा था, उस वक्त जावेद बाहर खड़ा था। बाद में वो घर के अंदर दाखिल भी हुआ, उसने भी हमला किया। तीसरे भाई पीयूष को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने धक्का दिया और चाकू उसके हाथ पर लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की 4 से 5 टीमें एक्शन में हैं। फरार जावेद की तलाश की जा रही है, जबकि साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन बदायूं में हुए इस जघन्य अपराध के बाद सन है पूरा का पूरा बदायूं, और कई सवाल हैं जो इस वारदात के बाद खड़े हो जाते हैं। हालांकि पुलिस अभी एक्शन में है और मुख्य आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, जबकि जावेद जो कि साजिद का सगा भाई है उसे अभी तलाश की जा रही है। उसके लिए कई जो टीमें हैं वो रवाना है। ये दुकान है साजिद की और जावेद की। इस दुकान के अंदर ये दोनों भाई जो है यहां पर सैलून चलाया करते थे, नाई का काम किया करते थे। फिलहाल हालांकि यहां की साफ सफाई करा दी गई है। ये वो दुकान है साजिद की। 7 बजे के लगभग साजिद अपने इस दुकान से निकलता है, दुकान को बढ़ा देता है। उसका भाई जावेद उसके साथ मौजूद होता है। और इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि ये अपने साथ एक बड़ा चाकू लेकर सामने ही, बिल्कुल आप रोड के उस तरफ देखेंगे तो वहां पर इन मासूम बच्चों का, आयुष, आहान, पीयूष, इन 3 मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें आहान जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, दूसरा जो इनका बेटा है आहान जो है उसकी उम्र भी मात्र 7 साल की उम्र है, वो इस घर के अंदर मौजूद होते हैं। साजिद इस घर के अंदर पहुंचता है, साथ में जावेद भी होता है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पे ये कहना है कि दोनों मौजूद होते हैं। साजिद आता है, उसके पास चाकू होता है, लेकिन वो घर में जाने के बाद पहले ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों की दादी मौजूद होती है, उनसे ये कहता है कि उनकी पत्नी जो है साजिद की पत्नी, वो पास में अस्पताल में भर्ती है, वो प्रेग्नेंट है, उसे पैसों की जरूरत है। इस बात को लेकर जो बच्चों की माँ है संगीता, वो अपने पति विनोद को कॉल करती है, क्योंकि विनोद घर के बाहर कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं, और उन्हें ये कहा जाता है कि उन्हें 5,000 की जरूरत है, जिसके बाद विनोद कह देते हैं कि पास में ही दुकान है, कोई बात नहीं, 5,000 रुपए आप उन्हें दे दो, वो कल को वापिस कर देगा। लेकिन इस पूरी मंशा से अनजान पूरा परिवार होता है। और उसके बाद जो साजिद होता है वो इस घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो बच्चों की दादी हैं वो घर के अंदर मौजूद होती हैं, उनसे भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से साजिद जो है पैसों की ही मांग कर रहा था। पहले साजिद मांग कुछ नहीं थी, ना हमारी शिकायत थी, मुझे बोला बहू से बोला, हमसे कोई मतलब नहीं था। मेरी बाइब है अस्पताल में भर्ती है, डिलीवरी होने को है, 5,000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने हमारे बेटा को फोन किया, 5,000 रुपए, बेटा बोला दे दो, 5,000 रुपए दिए। बोला भाभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 घंटे की बात है, मैं ऊपर चला जाऊं, उन्हें चले जा भैया। अच्छा बेटा तुम ऊपर चले जाओ, मैं तुम्हें चाय ला रही हूँ। बे चाय बनाने गई तब तक मेरे आयुष को ले गया। आयुष भी जानता, अरे भैया मैं आ रहा हूँ, भैया भैया कहते, बाल बनाता था मेरे, बड़े वाले काट दिया, छोटे को बुलाया पानी को लेने को, मेरा छोटा बच्चा छोटे को काट दिया, तीसरा को तो वो तो बिलट में गिर गया फिसल के जावे, तब तो बच गया मेरा, इसके भी चोट लगी है, बिलट चक्कू लगाए हाथ में, अब मैं क्या बताऊं, अरे मेरे भी आग लगा दो, ऐसे ही सब्जी बना दो मेरी। किस तरीके से इस ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है साजिद, जावेद जो है घर के बाहर खड़ा होता है और ये कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। अंदर जो बच्चों की माँ होती है संगीता, वो इस घर के अंदर मौजूद होती है, वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि साजिद जो है पैसों की मांग कर रहा है, 5,000 रुपए मांग रहा है। उनके पति अलाउ कर देते हैं कि 5,000 रुपए दे दो, लेकिन उसके बाद देखिए वो क्या करता है। 5,000 रुपए लेने के बाद जो साजिद है वो उनके बड़े बेटे यानी कि आयुष, जो कि सबसे बड़ा बेटा है और अक्सर उनकी दुकान पर कटिंग कराने बच्चे जाया करते हैं, वो आयुष को ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो उनकी माँ का पार्लर है वो देखना चाहता है। जिसके बाद आयुष साजिद के साथ ऊपर आता है, इस बात से अनजान कि साजिद के मन में क्या कुछ चल रहा है।
और यहां पर आकर ये फर्स्ट फ्लोर पर जो पार्लर है संगीता का, इस पार्लर को देखने की मांग करता है। ये आप देखिए, ये दरवाजा है और यहां पर लेकर आता है और इस पार्लर को देखने के बहाने आयुष को लेकर आता है। पहले वो पार्लर देखता है और उसके बाद सीधा साजिद जो है वो ऊपर जाता है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आयुष को लेकर जाता है और वहां पर ले जाने के बाद छत पर फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है, लेकिन यहां पर ले जाने के बाद जो ये मोमटी है इसके पीछे वहां पर लाइट जली होती है। जिस तरीके से बच्चों की मां ने बताया कि लाइट बंद करता है, बंद करने के बाद आयुष के ऊपर लगातार एक बड़े चाकू से हमला करता है। जो दूसरा भाई है आयुष का, आहान, वो पानी लेकर आता है, उसे पानी के बहाने बुलाता है और उसको भी छत पर बुरी तरीके से बड़े चाकू से काट देता है, उसे मौके घाट उतारता है। और उसके बाद हमने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई हैं यहां की। जो तीसरा भाई है यानी कि पीयूष, उसका उसके ऊपर भी हमला करता है, उसके हाथ में चाकू लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागता है। तो बदायूं के इस जघन्य अपराध को देखकर हर कोई सदमे में है। अपने जिगर के टुकड़ों का शव देखकर आयुष आहान की दादी बेहाल हैं। अभय पाराशर ने जब बच्चों की दादी से बात की तो उन्होंने दावा किया कि साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया था। वो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए पैसे मांग रहा था। साजिद ने विनोद की वाइफ को बताया कि उसके 5 बच्चे पहले मर चुके हैं, छठा बच्चा ना मर जाए इसलिए उसे इलाज के लिए 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में कैसे घर में घुसकर डबल मर्डर साजिद ने किया, वो घर की एक एक तस्वीर बता रहे हैं। हमारे साथ उन मासूम बच्चों की दादी मौजूद है जिनके सामने साजिद और जावेद बताया जा रहा है दोनों घर में आए और साजिद ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हमारे साथ बच्चों की दादी जी मौजूद है। ये बताइए, कितने बजे की ये वारदात है, घर में आकर साजिद ने क्या कहा आपको, वो कैसे ऊपर गया बच्चों के पास? ये कहा था, मेरी बहू थी, उसे बोला कि मेरी वाइफ के मेडिकल में भर्ती है अस्पताल में, 5 बच्चे मेरे खत्म हो चुके, अब उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया है, मेरे पास पैसों की कमी है। तो मेरी बहू ने हमारे लड़के को फोन किया वहाँ कि ये पैसे मांग रहा है पैसे, तो उन्होंने कि दे दो कल दे देगा, तो 5,000 रुपए उन्होंने दिए। तो बोले कि हमारा कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, 2 घंटे का टाइम है, मैं ऊपर चला जाऊं, तो जब पड़ोस की बात ही जानते ही थे तो नहीं चले जाओ। वो चाय बनाने लगी, चाय उसी को 5,000 रुपए भी दिए, चाय बनाने को लगी। ऊपर उसने कहा एक से मंगाई पुड़िया, एक से मंगाया पानी, बुला लिए तीनों बच्चा मेरे, दोनों काट डाले, छोटे वाले की चोट लगी थी, वो भाग के आया। बहू मेरी गई तो उससे बोला बीच वाला कि मम्मी जाना नहीं, दादा का हाथ काट दिया है। अब वो ऐसे बुलाए उसको बहू को। अब मैं जब अंदर से निकली तो यहाँ पर खड़ा था, छुरी लिए इतनी बड़ी। इंडिया टीवी के पास बदायूं डबल मर्डर में FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी है। 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पैसे मांगने के बहाने बच्चों का मर्डर किया गया। दोनों नाबालिग बच्चों की हत्या पर 3 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। FIR में दोनों आरोपी साजिद और जावेद का नाम है। मारे गए बच्चों के पिता ने FIR में वारदात की पूरी डिटेल दी है। विनोद ने बताया कि साजिद अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगने आया, एक बच्चे पीयूष को गुटखा लाने भेजा, फिर पत्नी के सामने घबराहट का बहाना बनाकर 2 बच्चों को लेकर छत पर चला गया, फिर छत पर ही 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। जब साजिद और जावेद छत से उतर रहे थे तो उनके हाथ में खून से सना चाकू भी था। और इस वक्त अभय पाराशर हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हमारे सहयोगी। अभय, क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या क्या मोटिव क्या था इस हत्या के पीछे, ये किस मोटिव से घर के अंदर दाखिल हुए थे जावेद और साजिद, और इन बच्चों का कत्ल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? सर बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने देखिए, सबसे पहले प्राची एक अपडेट मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त SP सिटी AK श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और ये वो SP हैं जो एनकाउंटर की टीम में शामिल थे, यानी कि जो एनकाउंटर किया गया साजिद का उसमें शामिल थे। सर, एनकाउंटर हुआ है साजिद का, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोटिव क्या है, किस वजह से बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया? देखिए, मोटिव अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रही है कि जैसा कि वादी जो हैं विनोद, वो बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश नहीं रही है, तो ये चीज़ें अब हम लोग इसकी तहकीकात में जाएंगे और इसकी इब्तिदा में जाके प्रयास करेंगे कि क्या कारण रहा है, देखते हैं। अब कोई पुरानी रंजिश या सिर्फ 5,000 रुपये लेने के चलते, अगर उसे परिवार से 5,000 लेने हैं, बच्चे उसे भैया भैया बोलते थे, शुरुआती जाँच में आपकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, कुछ तो मोटिव समझ आया होगा?
देखिए अभी 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 कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी हमारा प्रयास है कि जो दूसरा आरोपी है उसको हम जल्दी गिरफ्तार करें। हमारी सारी टीम है और हम सभी उस पर लगे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि उसको हम लोग यथासिद्ध गिरफ्तार कर लें। अच्छा, परिवार जो ये बात कह रहा है कि ये दोनों घर के अंदर मौजूद थे और FIR भी हमने पढ़ी कि दोनों जब नीचे आते हैं साजिद और जावेद तो उनके खून से कपड़े सने हुए होते हैं, हाथ में चाकू होता है और जावेद जो साजिद है वो उसकी माँ से कहता है कि आज मैंने अपना काम पूरा किया। कुछ समझ आया परिवार से बात करके क्या काम पूरा किया? देखिए इनकी माँ की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा बात कर पाएँ और विनोद जो फादर है बच्चों की उनसे बातचीत की गई है और जो कुछ इनपुट हमें मिल रहा है उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। सर आप एनकाउंटर वाली टीम में शामिल थे, किन हालात में ये एनकाउंटर हुआ, साजिद कहाँ था, कहाँ वो फरार हो रहा था, कैसे उसे घेरा गया? देखिए ये हमारी पुलिस टीम में जो है जब फायर किया तो हमारी टीम ने बचाव में फिर इसके ऊपर फायर किया गया है और उसी फायर के दौरान इसको गोली लगी और उसी गोली लगने से इसकी मृत्यु हुई है। ये घर से निकल के यानी कि फरार हो गया था और कितनी दूरी पर यह एनकाउंटर हुआ है, स्पॉट की यहाँ से लोकेशन कितनी दूर है? एग्जैक्ट दूरी तो बताना मुश्किल है। जगह क्या है? जगह सिविल लाइन थाना क्षेत्र है। सर यानी कि इसने अगर पुलिस के ऊपर फायर किया इसका मतलब है कि इसके पास हथियार था और यहाँ से भी वो चाकू लेके गया, उसने वारदात को अंजाम दिया, फिर वो पुलिस पर गोली चला रहा है और एक बुलेट इंजरी भी हुई है एक पुलिसकर्मी को, तो क्या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? अपने साथ पिस्टल रख रहा है, अपने साथ चाकू रख रहा है, जांच में क्या आया इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में? क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं, सभी थानों को मैसेज किया गया है। लोकल जिस थाने का रहने वाला है अलापुर थाने का, वहाँ अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है, बट हम बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बाकी आसपास के जनपद में भी पता करा रहे हैं कि क्या इसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। एक आखिरी सवाल सर, एनकाउंटर जब आप लोगों ने किया उस वक्त क्या ये छिप रहा था या सीधा इसने पुलिस पर फायर किया? एनकाउंटर की थोड़ी आप डिटेल्स बता दीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, अभी चूंकि हम लोग दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी में प्रयास कर रहे हैं। कितनी टीम लगी है सर जावेद को पकड़ने के लिए, कहाँ है जावेद, कुछ पता लग पाया? हमारी चार टीमें लगी हुई हैं और हम सभी उसी में व्यस्त हैं, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार। भी हत्या की है वो भी शामिल है, अब उसकी गिरफ्तारी के बाद चीजें और क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए हमारे साथ SP City जो है, SP City है बदायूं के, AK श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि किस हालात में एनकाउंटर हुआ, ये एनकाउंटर की टीम के अंदर शामिल थे। जो घर है मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं प्राची, ये घर है संगीता ब्यूटी पार्लर जहां पर लिखा हुआ है, इसी घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया। इसकी जो सेकंड फ्लोर है हालांकि फिलहाल पुलिस ने वो बंद कर दिया है, फर्स्ट फ्लोर पर इस पार्लर को देखने के बहाने ये लेकर जाता है आयुष को, साथ ही पीयूष जो यानी कि जो बच्चा बचा है जो बीच का भाई है जिसकी उम्र 7 साल के आसपास की है, बड़ा भाई जो है आयुष उसकी 13 साल की उम्र, साथ ही जो आयान है उसकी उम्र जो है वो 6 साल थी, वो सबसे छोटा था। पीयूष को जावेद ये पुड़िया लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए पहले बाहर भेज देता है और दोनों भाइयों को लेकर ये छत पे जाते हैं जो कि FIR की कॉपी में लिखा है। सामने ये दुकान है जो नाई की दुकान है, जो हेयर सैलून चलाता था, ये सामने दुकान है जिसमें जो दोनों आरोपी हैं वो यहीं पर काम किया करते थे और बहुत ज्यादा फैमिलियर थे परिवार के, क्योंकि जो बच्चे हैं वो यहां पर अपनी कटिंग करवाने आया करते थे और जो चश्मदीद बच्चा है पीयूष जिसके हाथ में चोट लगी है, जो बच गया, जिसने अपने परिवार की भी जान बचाई, वो ये कह रहा है कि हम अक्सर भैया कहकर आते थे कि भैया हमारी कटिंग कर दो, वो उन्हें जानते थे एक दूसरे को। लेकिन पुलिस भी इस बात को अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या मोटिव था। अगर 5,000 रुपए की जरूरत थी 5,000 रुपए भी दिए, उसके बाद दोनों बच्चों को मार दिया, तीसरे को मारने की कोशिश की। और एक और अहम बात प्राची, जो FIR की कॉपी है उसको जब हमने डिटेल से उसको पूरी तरीके से पढ़ा तो जो पिता है उन्होंने ये बात उसमें लिखवाई है कि दोनों आरोपी यानी कि दोनों आरोपी ऊपर से जब नीचे आ रहे थे उनके हाथ में चाकू था, चाकू पर खून के निशान थे और एक बात कही साजिद ने कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया, ये बात कही माँ से यानी कि संगीता से। इसकी क्या वजह है ये जब पता लगेगा, जब जावेद पकड़ा जाएगा, जिसके लिए कई टीमें फिलहाल जावेद को तलाश रही है। बहुत जरूरी है कि आखिर 5,000 रुपए मांगने आए इन दोनों शैतानों ने दो बच्चों की हत्या किस वजह से की, इसके पीछे का मकसद क्या था। बदायूं में शैतान की शक्ल में आए साजिद ने 13 साल के आयुष को सबसे पहले टारगेट किया, तीसरी मंजिल पर लेकर गला रेत दिया, जैसे ही छोटा भाई आहान वहां पहुंचा उसे भी मौत के घाट उतार दिया और आखिर में 9 साल का पीयूष उस पर भी हमला बोला गया, लेकिन वो जैसे तैसे बच गया। हमले में उसे भी चोट आई है लेकिन वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अब जरा उस मां के बारे में सोचिए जिसके दो मासूमों का साजिद और जावेद ने गला रेत कर हत्या कर दिया,
मां संगीता का रो रो कर बुरा हाल है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा। कुछ नहीं बोला, बस यही बोला भाभी मुझे पैसों की जरूरत है, 3 ग्लेशियर लिए और पैसे 5,000 रुपए की हमने हस्बैंड से पूछा, बोले दे दो, मैंने दे दिए। फिर कड़ा रहा, बोले मेरी बहू की डिलीवरी 11 बजे का टाइम दिया, ये कड़ा रहा यहाँ पे आइस को बुला के बोला पार्लर देखेंगे, उसी के बहाने बुला के ये छत पे ले गया, छोटे वाले से कह दिया कि पानी ले आ जाएगी, तब तक उसने बड़े को मार दिया, छोटे वाले ने देखा तो उसका भी मर्डर कर दिया, वही मेरे दोनों को मार दिया, पीयूष और आयुष और अन्नी को मार दिया, मेरे दोनों करे दोनों मार दिया, और हम लोगों को बुला रहा कि तुम भी लोग आ जाओ अंदर, हमने उन्होंने गेट बंद कर दिया, मेरा छोटा वाला बड़ा बीच वाला वो भी भाग के आया, नीचे जा देते थे उसे भी मार देता वो, उसने बहुत बेरहमी से हमारे बच्चों को मारा, चाकू था इतना बड़ा नुकेला था, चाकू था बहुत धार सफेद कतर स्टील जैसा दिख रहा था। क्या नाम था उसका? जावेद, और उसका क्या नाम जिसने मारा मुझसे? अंदर साजिद आया था या जावेद आया था? साजिद आया था, जावेद तो वो गाड़ी पे इंतजार कर रहा था, वो भी यही था, और साजिद अंदर आया था। जब हमने गेट बंद कर दिया तभी वो भाग गया, ये पड़ गया मेरे उसमें, तो ये पुलिस वालों को बुला के मैंने इसे पकड़ लिया। तो मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां ये बता नहीं पा रही हैं कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दो दो बच्चे जिनका डबल मर्डर किया गया है, एक बच्चा जिसे घायल किया गया वो कैसे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बच पाया। डबल मर्डर केस सनसनीखेज वारदात में साजिद और जावेद नाम के दो सगे भाई शामिल थे। प्लानिंग के तहत बच्चों को घर की तीसरी मंजिल पर लेकर गए, हत्या की और फरार हो गए। आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और अब जावेद की तलाश जारी है। यहां से नीचे की तरफ जो है वो पीयूष भागता है जो बीच का भाई है, यानी कि दो भाई, सबसे बड़े भाई की और सबसे छोटे भाई की हत्या कर देता है साजिद, और जो बीच का भाई है पीयूष वो किसी तरीके से नीचे की तरफ, सोचिए छोटा बच्चा दो मंजिल उतर के भागता है, और भागने के बाद जो नीचे का दरवाजा है जहां पर उसकी मां मौजूद होती है, दादी मौजूद होती है, उनको अंदर बंद कर लेता है और बताता है कि किस तरीके से साजिद ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और उनके दोनों भाइयों को मार दिया है। इसके बाद इस ग्रिल पे देखिए खून के निशान इस पूरी ग्रिल के ऊपर मौजूद है। साजिद जो है चाकू लेकर यहां पर खड़ा रहता है, और उसके बाद मौका मिलते ही जब उसे लग जाता है कि परिवार के लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं तो वो सीधा बाहर की तरफ भागता है जहां पर पहले से जावेद यानी कि साजिद का भाई जो है जावेद मौजूद होता है, और उसके साथ यहां से वो फरार हो जाता है।